हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में। महिंद्रा ने हाल ही में स्कॉर्पियो एन भी लॉन्च की है। स्कॉर्पियो एन को लॉन्च करने के बाद में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक भी लॉन्च की है। तो स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर किस किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि जो इंजन है वो 2.2 लीटर का डीजल इंजन प्लेस किया गया है नई स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर। ये इंजन 132 bhp की पावर जनरेट करता है, और ये मैं बताता चलूँ कि जो पुरानी स्कॉर्पियो है उसके कंपेयर में ये पावर 10 bhp कम है। अगर बात की जाए टॉर्क के बारे में तो 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पहले ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो 300 न्यूटन मीटर का ये जो टॉर्क है, ये कार अपना 70% से ज़्यादा का टॉर्क 1000 rpm पर ही प्रोड्यूस कर देती है। जो इस कार का पिकअप है वो बहुत ज़्यादा आपको जर्की फील होने वाला है, बड़ी अग्रेसिव सी लगेगी ये कार आपको ड्राइव करते हुए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ट्रैफिक में अगर इनिशियली आप इस कार को चला रहे हैं तो आपको ट्रैफिक के अंदर थोड़ा अग्रेसिव फील होने वाली है, तो ट्रैफिक के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए कि क्या इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो पुरानी स्कॉर्पियो क्लासिक थी, जो पुरानी स्कॉर्पियो थी उसके कंपेयर में ज़्यादा है, तो मैं बता देता हूँ कि इन अगर नंबर्स की बात की जाए तो अगर बात की जाए 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने की, तो जो नई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक है ये पुरानी वाली से 2 सेकेंड स्लो है। जो पुरानी स्कॉर्पियो थी वो 11 सेकंड के अंदर 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती थी, जो नई वाली है 0 से 100 जाने में 13 सेकंड का टाइम लेती है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए कार को तो ये थोड़ी सी पुरानी कार के कंपेयर में स्लो नज़र आती है। बात करते हैं इंटीरियर के बारे में, तो इंटीरियर पुरानी जो स्कॉर्पियो है उसकी तरह ही रखा गया है, कुछ एक चेंज किए गए हैं। अगर बात की जाए सीट के बारे में तो जो फ्रंट सीट्स हैं, फ्रंट सीट्स के अंदर आर्म रेस्ट दे दिए गए हैं, पहले नहीं आते थे। बाकी जो कार है उसके इंटीरियर के अंदर कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, कुछ मेजर चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पहले की तरह सेम ही है। बाकी इस कार के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, अगर बात की जाए सस्पेंशन के बारे में, तो इस कार का जो ओवरऑल वेट है वो पुरानी स्कॉर्पियो के कंपेयर में 55 kg कम है। छोटा इंजन लगाया गया है पहले के कंपेयर में, जो इंजन का साइज़ है वो रिड्यूस किया गया है। इसकी वजह से जो वेट है नई स्कॉर्पियो क्लासिक का वो पुरानी के कंपेयर में 55 किलोग्राम कम है। और यहाँ पे अगर सस्पेंशन को हम लोग देखें तो सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड आपको फील होंगे अगर आप इस कार को ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करते हुए आपको पता चलेगा कि गड्ढों के अंदर और ब्रेकर वगैरह पे इस कार के अंदर आपको ये फील आएगा कि शॉकर जो सस्पेंशन है कार के वो स्टिफ है। कुछ और फीचर्स की अगर बात की जाएगी और कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, तो ये मैं बता देता हूँ कि इस कार के अंदर हेलोजन हेडलैम्प्स दिखाई देंगे, 17 इंच के अलॉय व्हील्स प्लेस किए गए हैं कार के अंदर, और 9 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है सेंटर में मल्टीमीडिया के लिए। स्टीयरिंग की अगर बात की जाए तो स्टीयरिंग को ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। कार के अंदर क्रूज़ कंट्रोल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आ रहा है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी दिखाई देगा, एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर भी है। जो रियर सीट है उसके अंदर एसी के वेंट भी है। ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि इंटीरियर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो इंटीरियर आपको काफ़ी हद तक जो पुरानी स्कॉर्पियो है उसके जैसा ही दिखाई देगा। अगर बात की जाए कि जो लास्ट रो है, लास्ट रो में आपको जंप सीट भी मिल सकती है। आप चाहते हैं जंप सीट वाली लेना तो जंप सीट अभी भी अवेलेबल है। अगर आप पीछे सीट चाहते हैं तो सीट भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा लगेज कैरी करते हैं महिंद्रा की तरफ से अभी भी जंप सीट वाली स्कॉर्पियो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जो स्कॉर्पियो के लवर हैं, जिन्हें पता है कि हमें स्कॉर्पियो ही लेनी है, तो उनके लिए तो स्कॉर्पियो ही है, अभी भी महिंद्रा उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर जिसे महिंद्रा ने कहा है बिग डैडी ऑफ एसयूवी, यानी स्कॉर्पियो एन भी मार्केट के अंदर है, तो जब कभी भी आप स्कॉर्पियो क्लासिक को परचेज करने के लिए जाएं, तो एक बार ज़रूर आप स्कॉर्पियो एन का ध्यान में रखें और उसकी टेस्ट ड्राइव लें, या फिर उसके बारे में जानें, या फिर उसके बारे में भी चीज़ों को देखें, और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको स्कॉर्पियो क्लासिक ही लेनी है या फिर आपको स्कॉर्पियो एन लेनी है। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।